भैया पेट्रोल की कीमत है 109 रुपये 50 पैसे। बाबा रे बाबा, 500 रुपये का डाल दो भाई। 70 किलोमीटर जाना है तो जाना और आना मिलाकर 150 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। दोस्तों गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल गांव। आज हम जा रहे हैं सातिवली हॉट वाटर स्प्रिंग, जो कि विरार से थोड़ा आगे है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और व्रजेश्वरी के कंपैरिजन में बहुत ही साफ़ सुथरा है। जय सगनाई माता। हम पहुंच गए हैं घोड़बंदर सगनाई माता मंदिर के पास। तो मैं बात कर रहा था सातिवली गर्म पानी के कुंड के बारे में। बहुत ही पीसफुल जगह है और लेस क्राउडेड जगह है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों फाउंटेन के पास और भायंदर ब्रिज पे तो आपको ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। नया ब्रिज का काम चल रहा है, होपफुली जल्दी बन जाए और ओपन हो जाए। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि मैं इंस्टा 360 1x2 से रिकॉर्डिंग करता हूं, तो आज मैंने कैमरे को हैंडल बार पे सेट किया है ताकि ये एंगल आपको व्यू दिखा सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये एंगल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एंगल कैसा लग रहा है। भाई साहब वो क्या है, इतना धुआं, ऐसे लग रहा है कहीं आग लगी है। ये वसई का बोर्ड आप देख सकते हैं, मगर ये वसई में नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन इतना विशाल है कि मैं क्या बताऊँ, पूरा बादल जैसा छा गया है वो धुआं, काला काला धुआं उठ रहा है। ऐसे लग रहा है कहीं पे बहुत ज़बरदस्त आग लगी है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री तो नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। वसई में शायद होगा भी, मगर ये तो बहुत दूर है, शायद नाला सोपारा में है और वहाँ पर पता नहीं कोई फैक्ट्री, और होगा भी तो इतना धुआं तो नहीं करेगा बाबा। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा ये क्या है। दोस्तों इतने खूबसूरत नज़ारे हों तो बाइक चलाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं दोनों तरफ जंगल की जैसा है और बीच में ये रोड बना हुआ है। इतना खूबसूरत रास्ता है कि मैं क्या बताऊँ। 70-80 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये एकदम मक्खन जैसा रोड है और इतने ब्यूटीफुल सीनरीज है कि मैं क्या बताऊं। मंजिल की खूबसूरती तो जो होगी सो होगी, मगर इन रास्तों की खूबसूरती भी लाजवाब है दोस्तों, पैसा वसूल। ये शायद विरार का टोल प्लाजा है, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर। मेरा मतलब है कि ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत खड़े हैं यहाँ पर और स्पेशली बाइक वालों की ज़्यादा चेकिंग हो रही है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो फुल पेपर्स के साथ आइएगा और हेलमेट पहनना तो कंपलसरी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और मास्क पहनना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम शायद वैतरना पहुँच गए हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो देखिए, वो दूर पहाड़, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये रोड के बीचों बीच में पहाड़ खड़ा है और ये रोड उस पहाड़ में जाके ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से दिखाई दे रहा है। और हाईवे की दोनों तरफ मैं क्या बताऊं दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं, गज़ब की सीनरीज है, गज़ब की, अल्टीमेट व्यू है। इस रोड पर एक बार बाइकर को आना तो बनता ही है। अगर आप नहीं आए हैं इस रोड पर तो मैं रेकमेंड करूँगा, ज़रूर आइए। अरे यार, गलती से मैं थोड़ा आगे आ गया। ये जो लेफ़्ट साइड में सर्विस रोड दिखाई पड़ रहा है, इसी पर हमें जाना था और पीछे रह गया बोर्ड जहाँ से हमें लेफ़्ट लेना था, मगर हम यहाँ पर आ गए इस कट के पास। ये जो कट आप देख रहे हैं, यहाँ से आप राइट लेंगे और 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ब्रिज आएगा, वहाँ से लेफ़्ट लेने पर आप वांद्री लेक पहुँच जाएंगे। वो सामने आप देख सकते हैं पेट्रोल पम्प है, उस पेट्रोल पम्प के पहले ही ये कट है और इस कट से कुछ 500 मीटर पहले एक सर्विस रोड स्टार्ट हो जाता है, 500-600 मीटर पहले, तो इसी सर्विस रोड को आपको पकड़ना है। वो आप कट देख सकते हैं और ये है सर्विस रोड। मैं थोड़ा आगे आ गया तो मैं यू टर्न लेके पीछे जा रहा हूँ और वहाँ से मैं राइट ले लूँगा आगे से, लगभग 100 मीटर दूर होगा यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड है, यहाँ से मुझे जाना था मगर मैं कुछ आगे चला गया था। ये लिखा हुआ है श्री शंकर मंदिर ट्रस्ट, और ये जो रोड है ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन रोड है, क्या सुंदर नज़ारे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं खेत हैं, हरियाली है और बीच में ये रोड बना है, बेस्ट है, अल्टीमेट। एक बार यहाँ आना तो बनता ही है दोस्त, अगर आप आए हैं तो भी दोबारा एक बार ज़रूर आइएगा, और अगर आप नहीं आए हैं तो बिल्कुल आइए, एक बार तो आना यहाँ बनता ही है। मैं काफ़ी सालों पहले आया था, जब मैं स्कूल में था तो मैं टूर्स एंड ट्रैवल की बस में आया था और रात के समय आया था, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ पहुँच के स्नान करके और 6 बजे पूजा करते थे।
अब तो मुझे लगता है बहुत सारा कुछ चेंज हो गया होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या क्या यहाँ पर देखा था। तो चलिए चल के देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं और अब कैसा दिखाई देता है सातवली का नैसर्गिक गर्म पानी का झरना। और कुंड भी बना हुआ है, काफ़ी पुराना है ये और फिर भी इतना प्रचलित नहीं है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है अभी तक। और ये देखिए यहाँ गेट भी लग गया है, पहले यहाँ गेट नहीं हुआ करता था और ये रोड भी कच्चा रोड हुआ करता था। तो एक बाइक और दो लोगों का 20 रुपया है और ये है उसका पिक, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ शू रैक रखा गया है जूते चप्पल निकालने के लिए और काफ़ी सारी दुकानें बन गई है यहाँ पर, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और हार फूल भी मिल रहे हैं और फक्त स्त्रियांसाठी आंगोड़ी चे कुंड, मतलब ओनली लेडीज़ के लिए यहाँ कुंड बना हुआ है स्नान करने के लिए। और ये है मेन कुंड, आप देख सकते हैं ये एक दरार बनी हुई है ज़मीन में जिसके अंदर से गर्मा गर्म पानी निकलता है। कितने सारे सिक्के डाले हुए हैं इसके अंदर और बबल्स आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं जैसे कि पानी उबलते वक्त निकलता है, ये देखिए बाबा रे बाबा। और ये बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था तब एक बार आया था तब भी ऐसा ही था, बस ये जाली नहीं थी यहाँ पर, अब जाली डाल दिया गया और बहुत पैसे फेंके गए हैं और कुछ चावल के दाने डाले गए हैं अंदर जो कि जल के लाल हो रहे हैं। और अभी भी कुछ लोगों ने चावल का दाना अंदर डाला हुआ है। ये एक नैसर्गिक गर्म पानी का झरना है और वो आप देख सकते हैं उस रास्ते से वो पानी कुंड में जाता है। ठीक झरने के बगल में महादेव जी का मंदिर है, शंकर भगवान का, बहुत पुराना मंदिर है ये भी मगर अब रेनोवेट हो गया है, बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है इसे। इतनी शांति है कि क्या बताऊँ, पक्षियों की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही हैं। और ये आप देख सकते हैं जय श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान का एक मूर्ति बना हुआ है और यहाँ गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है दाहिने तरफ। श्री नवनाथ मंदिर, ये एक बड़ा सा और सुंदर सा मंदिर बना हुआ है जिसमें नवनाथ की मूर्तियां रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं शिव जी का अर्धनारेश्वर रूप में मूर्ति रखा गया है और साथ ही नवनाथ जी के 9 मूर्तियां लगाई गई हैं, नारायण भी है, गणेश जी भी हैं। ऐसा मंदिर बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको। आपने आगे देखा लेडीज़ के लिए अलग से कुंड बना हुआ है, दीवार बनी हुई है और ये श्री नवनाथ मंदिर के सामने एक और दीवार बना है जिस पर लिखा है पुरुषांसाठी आंगुली से कुंड, यानी कि पुरुषों के लिए नहाने के लिए अलग से कुंड बना है और वहाँ पर उस दीवार पर लिखा है पुरुषांसाठी यानी कि जेंट्स पुरुषों के लिए। तो चलिए मैं आपको अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सुविधा बन गई है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ये दीवार नहीं थी, सीधे कुंड था। और क्या बात है, यहाँ तो टाइल्स लग गए हैं, पहले सीमेंट का बेस हुआ करता था अब तो टाइल्स लग गए हैं, चकाचक स्विमिंग पूल जैसा दिखाई दे रहा है। और ये 3 कुंड है, ये पहले भी ये 3 कुंड हुआ करते थे। और यहाँ लेफ्ट साइड में और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कपड़े चेंज करने के लिए भी जगह बन गई है। ये तो ज़्यादा गर्म नहीं है, घर के जैसे हम लोग घर पर नहाते हैं गर्म पानी से उतना ही गर्म है, इसमें आप डायरेक्ट कूद सकते हैं, पानी उतना मगर साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा गर्म है। और अब आगे देखते हैं, ये पिछले वाले छोटे वाले से थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है बीच वाला, और ये वाला एकदम साफ दिखाई दे रहा है। रीज़न है कि बहुत ही गर्म है दोस्तों, ये उबलता हुआ पानी जैसे होता है उतना गर्म है ये, बेहतरीन जगह है दोस्तों। अगर आप हॉट वाटर स्प्रिंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए अलग से बन गया है।
तो मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पर, और आप खुद ही डिसाइड कीजिए यहाँ पर आने लायक है या नहीं है। ये जो जेंट्स के लिए कुंड बना हुआ है नहाने के लिए, ठीक उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मंदिर है। जब पिछली बार मैं आया था तो यहाँ पर एक आश्रम हुआ करता था, कोई साधु रहते थे यहाँ पर, अब ये मंदिर बन गया है। यहाँ से आप स्नान करके श्री नवनाथ मंदिर और महादेव मंदिर का दर्शन करने के बाद इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह है बैठने के लिए, और मंदिर के पीछे वहाँ पर, इनफैक्ट वो जो कुंड है, कुंड के पीछे वहाँ पर बहुत बड़ा सा मैदान जैसा बना है और बहुत सारी बैठने की जगह है। बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके पीछे बैठने की जगह है। अगर आप खाना पीना लाए हैं तो यहाँ पर बैठ कर ईज़िली खाना वगैरह खा सकते हैं। और वो आप देख सकते हैं वहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है, पता नहीं खुला है कि नहीं, वहाँ जाकर एक बार देखना पड़ेगा। 2-3 टॉयलेट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में एक नदी है पीछे की तरफ, वो नदी भी आपको दिखाता हूँ। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इतनी शांति है, इतना पीसफुल जगह है कि घंटों आप यहाँ बैठ के आराम से मज़ा ले सकते हैं इस नेचर का। आज संडे है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं हार्डली 2-4 लोग हैं यहाँ पर। अभी जो आपने जगह देखी वहाँ पर, मैंने आपको बताया बैठने की जगह है, खाने पीने की जगह है, बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे बैठने की जगह बनी हुई है। उसके आगे से आप यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, ये आप दीवार देख सकते हैं, दीवार के बगल में एक छोटा सा रास्ता है। इस रास्ते से अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं ये है नदी। अभी तो ये जनवरी का महीना है, आज है 16 जनवरी 2022। आप सोच सकते हैं कि बारिश में यहाँ का क्या मौसम रहा होगा। तो अगर आप मानसून में आते हैं तब तो बेस्ट है, लेकिन आप यहाँ 12 महीने किसी भी सीज़न में आ सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जनवरी में भी इसमें पानी है, तो और 2-4 महीने पानी तो रहेगा इसमें। मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ मत आइए, मगर बारिश में अगर आप आते हैं मानसून में तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। बाकी किसी सीज़न में यहाँ पर आना उतना अच्छा नहीं लगेगा, मगर आप नज़ारे देख सकते हैं। आप ये नेचर एंजॉय करने के लिए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। दूर दूर तक जंगल, बीच में नदी है, आप देख सकते हैं केवल पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और नदियाँ। वो देखिए पहाड़ है उधर, और ये बड़े बड़े घास, 5-5, 6-6 फीट के हाइट के ये घास हैं। बेहतरीन नज़ारे हैं दोस्तों, बेहतरीन नज़ारे। लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए। घर से मैं दबा के नाश्ता करके निकला था, तो भूख तो नहीं लगी है, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ खाऊंगा ज़रूर और बताऊंगा कि कैसा है खाना। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, मगर आज संडे है और कल फिर ऑफिस का काम करना पड़ेगा, और मुझे अभी यहाँ से जाना है वांद्री लेक। तो यहाँ से मैं निकल के अब वांद्री लेक जाऊँगा, और अगर ये वीडियो छोटा बना तो मैं दोनों वीडियो कम्बाइन करके डाल दूँगा, और अगर नहीं, अगर ये वीडियो बड़ा बन गया तो फिर वांद्री लेक का मैं अलग से वीडियो डालूँगा।
यहाँ पर अवेलेबल है उसल पाव, मिसल पाव और वड़ा पाव। मैंने मंगाया है वड़ा पाव और दो एक्स्ट्रा वड़ा मंगाया है। ये आप देख सकते हैं लाल चटनी है मिर्च वाली। तो दोस्तों अगर आप हॉट वाटर स्प्रिंग यानी नैसर्गिक गर्म पानी के झरने में आना चाहते हैं तो सातिवली आइएगा, बेहतरीन जगह आप देख सकते हैं। खाने पीने की सुविधाएं भी हैं, बिस्किट भी यहाँ अवेलेबल है, पानी का बॉटल भी अवेलेबल है। दोस्तों हम लोग लगभग 11 बजे घर से निकले थे, इस समय 3 बज गए हैं, एक घंटा हमें लगा यहाँ पहुँचने में और अब हम चल रहे हैं वांद्री लेक। आशा करता हूँ आपको ये जगह पसंद आई होगी, यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड है, आप आ सकते हैं क्योंकि आपने देखा लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग कुंड बनाए गए हैं, प्राइवेसी अच्छी है यहाँ पर। वीडियो बहुत लंबा हो गया तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वांद्री लेक पर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम।